तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M4A1 और उसके तीन अलग अलग वेरिएशन के बारे में, और फिर उनको कंपेयर करने वाले हैं। मतलब कि आज इस वीडियो में हम M4A1 के साथ M4A1 की X, Y और Z ऐसे तीनों वेरिएशन को कंपेयर करेंगे, और इन तीनों का एकदम डिटेल कंपेरिजन करके मैं आपको बताऊँगा कि आप जब M4A1 के अंदर एक, दो या फिर तीन चिप लगाते हो तो M4A1 के जो स्टेट्स है उनमें क्या डिफरेंस आता है, और कौन सी चीज़ें हैं जो प्लस होती है और कौन सी चीज़ें हैं जो माइनस होती है। तो आज इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखना, ताकि आपको भी पता चल जाएगा वीडियो का एंड तक में कि आपको M4A1 लेके उसमें चिप लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फायर रेट के कंपेरिजन से, और सबसे पहले हम मेजर करने वाले हैं नॉर्मल M4A1 का फायर रेट। इसमें ना कोई गन स्किन है ना ही कोई अटैचमेंट लगा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट 30 गोली का मैगजीन मिलता है, और इन 30 गोली को फायर होने में लगता है 5.1 सेकेंड। मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.170 सेकेंड लगाती है। उसी के सामने जब आप इसके अंदर एक चिप लगा देते हो तो ये बन जाती है M4A1X, और इसके अंदर भी आपको सेम 30 बुलेट्स ही मिलती है, और यहाँ पर इन 30 बुलेट को फायर होने में लगता है सिर्फ 4.9 सेकेंड। मतलब कि एक बुलेट जो है वो ऑन एवरेज 0.163 सेकेंड लगाती है। अब उसके अंदर अगर आप एक और चिप, मतलब कि अगर आप टोटल दो चिप लगाते हो तो आपको M4A1Y मिलती है। इसके अंदर भी आपको सिर्फ 30 बुलेट्स ही मिलती है, मगर यहाँ पर इन 30 बुलेट्स को फायर होने में सिर्फ 4.7 सेकेंड लगते हैं। मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.156 सेकेंड लगाती है। और अब M4A1 के अंदर मैक्सिमम तीन चिप लगाने पर आपको मिलेगी M4A1Z, और इस M4A1Z के अंदर भी आपको 30 बुलेट्स ही मिलेगी डिफॉल्ट मैगजीन में, और उसको फायर होने में सिर्फ 4.5 सेकेंड लगेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो एक बुलेट है उसे कंप्लीट होने में लगेंगे 0.150 सेकेंड। मतलब कि अगर हम चारों गन को आमने सामने रखें तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल M4A1 के मुकाबले जो M4A1Z है वो आपको विथाउट एनी गन स्किन डबल रेट ऑफ फायर प्रोवाइड कर देती है। M4A1X और M4A1Y की बात करें तो M4A1X के अंदर आपको ऑलमोस्ट एक रेट ऑफ फायर प्लस मिलता है, M4A1Y के अंदर आपको 1.5, मतलब कि एक और दो के बीच का रेट ऑफ फायर प्लस मिलता है, और M4A1Z के अंदर आपको पूरा का पूरा डबल रेट ऑफ फायर मिलता है। तो अब आप सोच सकते हो कि जब आप इस M4A1 को डबल रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन के साथ पेयर करके चलाओगे तो ये कितनी खतरनाक चलेगी। अब गाइस हम आते हैं एक्यूरेसी की कंपैरिजन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने चारों की चारों गन को साइड बाय साइड चला के देखा, मगर मुझे उतना कोई रिकॉयल में चेंज देखने को नहीं मिला है। हालांकि मैं इतना कह सकता हूँ कि M4A1X, Y और Z में फायर रेट बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। तो गाइस अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस एक वीडियो को लाइक तो बनता है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जल्दी से प्री गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। और गाइस 1 मिलियन के बहुत नजदीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके 1 मिलियन करवा दो। अब आते हैं गाइस हम डैमेज के कंपैरिजन के ऊपर, और मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर हम M4A1 की कोई भी गन स्किन यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू। और सबसे पहले हम नॉर्मल M4A1 का डैमेज देखेंगे, तो विदाउट लेवल और वेस्ट 159 का हेडशॉट और 29 का बॉडी शॉट पड़ेगा। लेवल 1 के वेस्ट और हेलमेट के साथ 106 का हेडशॉट, 19 का बॉडी शॉट पड़ेगा। लेवल 2 के वेस्ट हेलमेट के साथ 87 का हेडशॉट और 14 का बॉडी शॉट पड़ेगा। लेवल 3 पे 69 का हेडशॉट और 9 का बॉडी शॉट पड़ेगा। लेवल 4 के ऊपर आपको 62 का हेडशॉट और 8 का बॉडी शॉट देखने को मिल जाएगा। अगर आप M4A1X यानी कि एक चिप लगाने के बाद अगर यही चीज़ करते हो तो आपको ऑलमोस्ट सेम डैमेज मिलता है। मतलब कि आपको एक चिप लगाने के ऊपर सिर्फ रेट ऑफ फायर के अंदर ही इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले वाले M4A1 के अंदर जो वैल्यूज थी सेम टू सेम डैमेज की वैल्यू यहाँ पर आपको M4A1X में भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम M4A1Y की बात करें तो M4A1Y में हमको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ फायर प्लस मिल गया था, मगर यहाँ पर डैमेज की कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं ना तो यहाँ पर भी सेम M4A1X या M4A1 जो नॉर्मल है उसके जितना ही डैमेज मिलता है। यहाँ पर मैं गाइस आपको बता दूं कि
इन दोनों गन के अंदर एक खास एबिलिटी है, ठीक है, जो M4A1Z में नहीं है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो तब तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी रुकिएगा मत। और अब एट द एंड हम M4A1Z के ऊपर आए ना, तो गाइस इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट डबल डैमेज देखने को मिलता है, मतलब विदाउट वेस्ट और हेलमेट 203 का हेडशॉट और 37 का बॉडी शॉट, लेवल 1 पे 136 का हेडशॉट और 24 का बॉडी शॉट, लेवल 2 पे 111 का हेडशॉट और 18 का बॉडी शॉट, लेवल 3 के ऊपर आपको 87 का हेडशॉट और 12 का बॉडी शॉट, और एट द एंड लेवल 4 के ऊपर आपको 79 का हेडशॉट और 11 का बॉडी शॉट देखने को मिलता है। मतलब कि अगर यहाँ पर हम डैमेज की कंपैरिजन करें ना, तो गाइस बाकी की सब M4A1 नॉर्मल एक्स और वाई, इन सब के अंदर आपको कोई डैमेज इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, मगर M4A1X और M4A1Y में एक नई एबिलिटी ऑन हो जाती है, वो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, मगर अभी के लिए यही डैमेज हम कंसीडर कर रहे हैं। तो M4A1X, M4A1Y और नॉर्मल M4A1 के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट M4A1 का जो डैमेज है वही देखने को मिलता है, जबकि Z मतलब कि 3 चिप लगाने के ऊपर आपको ऑलमोस्ट डबल डैमेज मिल जाता है। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो AN94 की डबल डैमेज वाली जो स्किन है ना, उतना डैमेज यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब कि इवन M4A1 की डबल डैमेज की स्किन से ज़्यादा है ये। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि M4A1Z के अंदर 3 गुना रेट ऑफ फायर और इवन 4 गुना डैमेज जो है वो बढ़ जाता है। तो डबल एरो से ऊपर की चीज यहाँ पर आपको गेम में फ्री में देखने को मिल रही है। अब आते हैं गाइज हम मूवमेंट स्पीड की कंपैरिजन के ऊपर, क्योंकि आजकल गन स्किन के अंदर ये भी एक बड़ा एट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने चारों कैरेक्टर के हाथ में एक एक अलग अलग गन पकड़ा दी है और चारों के चारों एडम है, तो कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मूवमेंट स्पीड जो है ना वो बहुत आइडेंटिकल है। गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस तरह का शॉट लेने के लिए मुझे कम से कम 20 बार इस एडम को दौड़ाना पड़ा है, तो गाइज इस एडम की मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब आते हैं गाइज हम स्पेशल एबिलिटी की कंपैरिजन के ऊपर। तो अगर आप एक नॉर्मल M4A1 यूज करते हो विदाउट जिट, तो उसके अंदर आपको हर एक गोली पे सेम डैमेज बॉडी शॉट का और हेडशॉट का देखने को मिलता है। अगर आप एक्स लेते हो तो आपको हर तीसरी गोली पे एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा, चाहे वो बॉडी शॉट हो या हेडशॉट हो, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर तीसरी गोली पे आपको एक्स्ट्रा डैमेज मिल रहा है। और अगर आप उसी जगह पे M4A1Y को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको हर दूसरी गोली पे एक्स्ट्रा डैमेज देखने को मिलता है। जैसे AC-80 वाली आई है मार्क्समैन राइफल, उसके जैसे सेम एबिलिटीज़ की है, कि इसके अंदर आपको हर एक गोली छोड़ के एक गोली के अंदर एक्स्ट्रा डैमेज देखने को मिल रहा है। और एट द एंड अगर M4A1Z की बात करें, तो उसके अंदर हर गोली के अंदर एक्स्ट्रा डैमेज आपको देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों गन की रेट ऑफ फायर के साथ साथ एक्स्ट्रा डैमेज डिलीवर करने की भी एक यूनिक एबिलिटी यहां पर दी गई है। तो गाइस इसी के ऊपर से सीधी बात पता चलती है कि अगर आपके पास गन स्किन नहीं भी है और अगर आप M4A1Z ले लेते हो, तो आपको ऑलमोस्ट ट्रिपल रेट ऑफ फायर और 4 टाइम डैमेज प्लस मिल जाएगा। तो आप इवन अच्छे से अच्छी गन स्किन वाले बंदे को भी आराम से मार सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि जो फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छे एट्रीब्यूट्स गन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास गन स्किन है, तो ये एट्रीब्यूट उतने ज़्यादा एनहांस नहीं होंगे। मतलब कि जो मैक्स लेवल पे 203 का हेडशॉट आता है, वो कोई 400 का नहीं हो जाएगा, वो 203 से बढ़कर 230 का होगा। उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस वैल्यू में नहीं होने वाला है। तो गन स्किन जो है वो M4A1 की अगर आपके पास है, तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। इवन आपके पास गन स्किन नहीं भी है, तो भी आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप विथाउट गन स्किन जैसे डबल बैरल काफ़ी ओपी चला रहे थे, उसी तरह से आपको लॉन्ग रेंज के अंदर स्नाइपर के सिवा ये एक और चीज़ ऐसी देखने को मिल रही है, जो आप बहुत ओपी तरह से चला सकते हो। तो गाइस आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपर पता चली होगी और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारा मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। 1 मिलियन होने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।